हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले फाइल मैनेजर से अगर आप लोग गलती से फोटोज, वीडियोस, गाने, आप लोग जो भी आप लोग डिलीट करते हो तो उसे रिकवर किस तरह से किया जाता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर में इंटर हो जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जैसे ही दोस्तों इंटर होता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं मेरे फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, जो भी मेरे मोबाइल में फोल्डर है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैं फोटो कुछ यहाँ पर डिलीट मारने वाला हूँ, वही रिकवर करके आपको बताने वाला हूँ किस तरह से करना है। देखिए यहाँ से मैं DCIM में इंटर हो जाता हूँ। देखिए ये फोटो का फोल्डर होता है, और इसमें जाने के बाद मैं कैमरे में चले जाता हूँ। कैमरे में जाने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग के मैं 3 फोटो यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ आपके सामने, प्रेस करके रखता हूँ और इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है, ये दोस्तों ये डिलीट हो चुकी है। अभी इसे रिकवर करना है तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बैक चलना है और मेन पेज पर आ जाना है फाइल मैनेजर के। चलिए यहाँ से मैं देखिए मेन पेज पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे करेंगे, देखिए रिसेंटली डिलीट करके एक फोल्डर यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर आपको कुछ भी रिमूव फोल्डर या फिर कुछ अपने मतलब कुछ अलग अलग यहाँ पर नाम होगा। तो मेरे फोल्डर में यहाँ पर देखिए रिसेंटली डिलीट करके इस तरह से कुछ नाम है, तो आपके यहाँ पर कुछ आर्चिव नाम से भी फोल्डर हो सकता है। तो दोस्तों क्या करना है, रिसेंटली डिलीट फोल्डर में हम लोग चले जाएंगे, और यहाँ से देखिए मैंने कुछ फोटो यहाँ पर 3 फोटो यहाँ से डिलीट मारा था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसे रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फोटो के ऊपर क्लिक करके रखेंगे। और दोस्तों याद रख लीजिए, ये 1 महीने तक की फोटो यहाँ पर होते हैं हमारे, हम लोग जो भी यहाँ से डिलीट करते हैं फाइल मैनेजर से, 1 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे, इसलिए 1 महीने के अंदर आप लोग रिकवर कर देना जो भी आपको चाहिए। दोस्तों यहाँ से देखिए, अभी ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से रिकवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से रिकवरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से फोटो हट गए। अभी ये फोटो वहीं पर जाएंगे जहाँ से हमने फोल्डर से डिलीट मारे। देखिए यहाँ से फिर से मैं इंटर हो जाता हूँ, इंटर होने के बाद DCIM में इंटर होता हूँ, और यहाँ से कैमरे में इंटर हो जाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये 3 फोटो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ रिकवर किया जाता है, जो भी हमारे मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाता है, तो इस तरह से आप लोग रिकवर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।